फोल्डर बना लेता हूँ, 7.es6 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। और इस फोल्डर के अंदर मैं index.html के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, और इस फाइल में एक हेडिंग लगा देते हैं और इस हेडिंग पे लिख देते हैं कि ES6 ऑब्जेक्ट्स, और स्क्रिप्ट का एक टैग लगा के हम क्या करते हैं, अपने कोड को लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को बनाने का जो तरीका है, हमने लास्ट एरे पढ़ा था, ठीक है। एरे में हमने क्या देखा था, एरे वाले को भी ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। एरे में हमने क्या देखा था कि जी एरे क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू नहीं होती वेरिएबल में, बल्कि वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसके इंडेक्स के ज़रिए उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर 4 या 5 अगर मुझे वैल्यूज़ रखवानी है एक साथ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसमें उसको एरे की शक्ल दे देता हूँ। अच्छा, फिर उसको हमने चेंज करना भी देखा था, और उसके हमने 2 मेथड्स भी देखे थे, दैट इज़ कॉल्ड पुश एंड पॉप, और कुछ मज़ीद मेथड्स का भी आपको मैंने डेटा दे दिया था कि कहाँ पर वो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये हमने टोटल एरे की ना ये बात हमने ज़रा देख ली थी। अच्छा, एरे में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, एरे सब लोगों को समझ आ गया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको एरे पहले से आता था, थोड़ा बहुत पहले से आता था? अच्छा अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्ट भी पहले से आता है? थोड़ा बहुत आता है, 1-2 लोगों को आता है। अच्छा, तो अभी चेक कर लेंगे कि एरे आता है कि नहीं आता, और ऑब्जेक्ट भी आता है कि नहीं आता। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ ताकि मुझे पता होना कि अच्छा जी ऑडियंस किस तरह की है, तो मैं फिर उसी थोड़ा सा उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, और इसलिए भी पूछता हूँ कि अगर किसी को कोई वहम है तो वो भी दूर करता चलूँ साथ साथ। तो देखते हैं। अच्छा, मैंने कह दिया कि यार स्टूडेंट 1, ठीक है, जैसे मैं करता था ना, वेरिएबल बनाता था लेट करके, तो मैंने उसी तरह लेट किया, स्टूडेंट 1 लिखा। अच्छा, मैं ऐसे करके करूँगा 23, तो ये नंबर वेरिएबल बन जाएगा। मैं ऐसे करके करूँगा भाई अली, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। स्ट्रिंग ओ ओके, तो मैं ये कह रहा था इसको मैं नंबर लिखूंगा तो ये नंबर बन जाएगा, इसको मैं अगर ऐसे अली कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा, और इसी की जगह अगर मैं ट्रू लिख दूंगा तो ये बूलियन बन जाएगा, ट्रू या फॉल्स लिख दूंगा तो। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं ऐसे करके एरे लिख दूंगा 12, 34, 12, अली, तो ये एक एरे बन गया मेरे पास। अच्छा, लेकिन आज जो हम डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो एक अदद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका क्या है कि ये करली ब्रेसेस जो हैं, इससे ये स्टार्ट होता है और इससे ये ख़त्म होता है, और उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट भी क्या है, ऐसा डेटा टाइप है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर की जा सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ इसमें स्टोर की जा सकती हैं। अच्छा, एरे में क्या होता था कि इंडेक्सेस पे बेस होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, नेम्ड वैल्यूज़ होती हैं, सही है। तो क्लास नेम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि क्लास जो है ना, इसमें कीवर्ड भी होता है, तो ताकि उससे कॉन्फ्लिक्शन का कोई ख़तरा ना रहे। क्लास नेम मैंने लिख दिया साइंस, और इसकी मैंने लिख दी जी एज 24, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये एक अदद मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, सही है। इस तरह का जो डेटा टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ आप नोट करेंगे अगर, तो आपको पता लगेगा कि ये लेट स्टूडेंट, ये पहले जैसा ही है, इक्वल्स टू लगा के उसके बाद यहाँ से, एरे में क्या होता था, कर्ली ब्रेसेस होते थे, इसमें क्या है जी, एरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे, इसमें कर्ली ब्रेसेस हैं। अच्छा, इसमें भी क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, जैसे अली 23, ए साइंस एज।
अच्छा, लेकिन एरे में ये होता था कि जो फर्स्ट वाला है उसको हम कहते थे जीरो है, ये सेकंड वाले को हम कहते थे वन है, टू थ्री, ऐसे चलता था। इसमें वन टू थ्री का चक्कर नहीं है, इसमें है नेम का चक्कर है। अच्छा, तो इसमें अगर मुझे मिसाल के तौर पे इसको अगर तो मुझे इकट्ठा पूरा प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूँगा कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट वन पूरा लिख दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसको अब करके देख लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, इंस्पेक्ट और कॉन्सोल, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को भी आप देखें खास तरह से प्रिंट होता है, जैसे एरे होता था एक खास तरह से प्रिंट होता था, इसी तरह ऑब्जेक्ट भी क्या होता है एक खास अंदाज में प्रिंट होता है, ठीक है, जिसमें ये एज 24 और ऐसे करके, उसमें ना 0 1 2 आता था, इसमें एज 24 ऐसे करके आ रहा है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि जी पूरा का पूरा इकट्ठा कॉन्सोल कराना है तो करा सकते हैं। अच्छा, ये हमें अगेन किस पे कॉन्सोल करवा रहे हैं, ये हम डेवलपर कॉन्सोल पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, ये यूज़र को दिखाने के लिए कभी भी हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाएंगे। अच्छा, अगर मुझे लेकिन सिर्फ अली को प्रिंट करवाना है, यानी कि स्टूडेंट का सिर्फ नाम मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट और उसके बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। डॉट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं लेकिन जो ओरिजिनल तरीका है वो यही है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट अगर ये एरे होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैंने यहाँ पे नंबर से इसको एक्सेस कर रहा होता, जीरो लिखता, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, मैं नेम, क्योंकि ये नेम्ड वैल्यूज हैं तो मैंने कहा कि स्टूडेंट वन का जो नेम है ना वो कर लेते हैं, तो ये स्टूडेंट वन का नेम उठा के ले आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अली प्रिंट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका रोल प्रिंट कराना चाहता हूँ, रोल प्रिंट करवा दूंगा मैं, ठीक है, तो अली और 23A भी प्रिंट हो गया साथ साथ में, चाहता हूँ कि इसका क्लास का नाम भी प्रिंट हो जाए, सही है, क्लास का नाम भी प्रिंट हो गया, ठीक है, तो तीनों वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, अलग अलग भी एक्सेस कर लिया। अच्छा, इसको एक्सेस करने का एक और भी अल्टरनेटिव तरीका है जिसको हम कहते हैं डॉट नोटेशन, ठीक है, तो डॉट नोटेशन से भी मैं ये सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है, और दोनों तरीके सही हैं, दोनों में कोई मतलब मसला नहीं है। तो मैं नेम के साथ ना इसमें डॉट करके नेम भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ डॉट नोटेशन क्या होता है कि वैसे तो देखने में ज़रा इजी सा लगता है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो डॉट नोटेशन में हम नहीं कर सकते, वो इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे इन फ्यूचर के। तो ये आप देखेंगे कि डॉट नोटेशन को ना हमें सम टाइम छोड़ना पड़ता है, तो डॉट नोटेशन जस्ट रीडेबिलिटी वगैरह के लिए ज़रा सही है। अच्छा, क्या किसी को ये बात पता है कि कौन सी जगह पे डॉट नोटेशन में लिमिट आ जाती है, क्या किसी को ये बात पता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रिंट हुआ और यहाँ पे भी वही प्रिंट हुआ, तो एक जगह मैंने डॉट नोटेशन को इस्तेमाल कर लिया और एक जगह पे मैंने ऐसे करके इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो ये डॉट नोटेशन भी अवेलेबल है तरीका, लेकिन इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। अच्छा, आसान है ये, मुश्किल तो नहीं है, ये सब लोगों को समझ आई बात जितनी अभी हमने देखी। अच्छा, स्टूडेंट वन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो नेम्ड वैल्यूज़ हैं, एरे के अंदर वो नंबर से एक्सेस होती थी, इसमें वो नेम से एक्सेस होगी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस इन दोनों के अंदर नहीं है। अच्छा, अब इसको अगर चेंज करना हो मुझे, तो चेंज करने के लिए जैसे एरे को चेंज करता था मैं, वैसे ही इसको भी चेंज करूँगा। मैंने कहा कि जी स्टूडेंट वन का जो नेम है वो क्या कर दो, ऐसे इसके अंदर लगा दो कि मलिक, सही है। अच्छा, लाइन टर्मिनेटर ऑप्शनल होता है, लगा दूँ तो ठीक है, नहीं लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगा देना बेहतर है। तो अब ये क्या होगा, ये नेम अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, इसका रोल नंबर भी अपडेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार स्टूडेंट वन का जो रोल नंबर है उसमें क्या कर दो, 23A के बाद जो है ना इसमें लगा दो 97 आर लगा दो, सही है, 97R1 कोई भी रोल नंबर हो सकता है। अच्छा, रोल नंबर को मैंने स्ट्रिंग में लिखा है क्योंकि आमतौर पर रोल नंबर स्ट्रिंग में लिखा जाता है, ठीक है, रोल नंबर को नुमेरिक भी हो सकता है लेकिन मोस्टली क्या होता है रोल नंबर स्ट्रिंग में होता है, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में लिखा है। डिपेंडिंग ऑन यूज़ केस कि हमें हमारे क्या यूज़ केस है, अगर तो हमें इदारा कहता है, जिस इदारे की सॉफ्टवेयर बना रहे हैं नहीं हमेशा नुमेरिक ही होगा तो फिर हम नंबर भी रख सकते हैं, फिर हम नंबर भी रख सकते हैं उसमें, लेकिन मोस्टली वो नंबर नहीं होता है, मोस्टली जो अल्फा न्यूमेरिक होता है। अच्छा,
या रोल नंबर, या आप कह लें एम्प्लॉय आईडी भी होता है, जो किसी अदारे के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी होता है वो रोल नंबर के इक्वालेंट ही होता है एक्चुअली। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हाँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर या जो एम्प्लॉय आईडी होता है वो भी क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक ही होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास किस तरह का डेटा है, हम इसको स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको स्ट्रिंग रखा है। इसी तरह फ़ोन नंबर की जो फील्ड होती है वो भी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, वो नंबर नहीं होती। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करवा दिया, और इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करवाने के बाद इसको मैं दोबारा से प्रिंट करता हूँ जब, तो आप देखेंगे कि ये दो वैल्यू जो मैंने चेंज करवाई थी ये चेंज हो चुकी है। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो पहले जो तीन वैल्यूज़ हैं वो ये प्रिंट हुई हैं, और उसके बाद की जो तीन वैल्यूज़ हैं वो ये प्रिंट हुई हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट पे क्या सीख लिया, एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, उस एरे उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं उसको अलग अलग प्रिंट करवाना या एक्सेस करना सीख लिया, उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना सीख लिया, और अब क्या रह गया इसके अंदर, और खत्म करना और किसी भी लास्ट लेवल पे ऐड करना। हाँ अच्छा, ऐड रिमूव वाला तो खैर चलो हम देख लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है जो हमें शायद अभी इस पॉइंट पे डिस्कस कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसी की मैं एक्चुअली कॉपी बना लेता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास अगेन स्टूडेंट वन के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, उसके तीनों वैल्यूज़ को मैंने अलग अलग प्रिंट करवाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अनडिफाइंड मिलेगा मुझे, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, सेम एरे वाला बिहेवियर है, तो मुझे अनडिफाइंड होपफुली यहाँ पर मिलेगा, देख लेते हैं, ठीक है, मुझे अनडिफाइंड मिल गया। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ कि इस एरे को मॉडिफाई करते हुए स्टूडेंट वन का इंडेक्स ए बी सी, ठीक है, जो कि पहले मौजूद नहीं था ओरिजिनली, यहाँ पे ए बी सी करके मैंने इसको एक्सेस किया, तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था क्योंकि ये मौजूद नहीं था। मैंने कहा इसका ए बी सी इक्वल्स टू हो जाए 34, तो ये वैल्यू इसमें क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, कोई भी ऐसा इंडेक्स मैं बताऊँगा तो वो क्रिएट हो जाएगी वैल्यू। अच्छा, और अब मैं अगेन अगर इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पर इसी चीज़ को, तो अब मुझे ये अनडिफाइन नहीं देगा, बल्कि मुझे अब क्या देगा, ये अब मुझे ये 34 इसकी जगह पे देगा, ठीक है, 34 इसने दे दिया मुझे। तो ये हमने क्या सीख लिया, एक नई वैल्यू को ऐड करना सीख लिया। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को मैं अनडिफाइन भी कर सकता हूँ। किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को मैं इक्वल टू करूँगा अनडिफाइन, तो वो खुद ही से अभाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार रोल नंबर जो है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने के फ़ौरन बाद मैंने कहा कि यार स्टूडेंट वन का जो रोल नंबर जो है उसको क्या कर दो, इक्वल टू अनडिफाइंड कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, रोल नंबर गायब हो जाएगा और इसकी जगह मुझे अनडिफाइंड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको डिलीट कराने का एक और भी तरीका होता है, डिलीट स्टूडेंट वन डॉट रोल, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, लेकिन मोर और लेस ये काम सेम ही कर रहा होता है कि जो है ना वो एक्चुअली इसको क्या कर देता है, जस्ट अनडिफाइन कर देता है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये डिलीट हो जाता है, ठीक है, ये डिलीट का एक ऑपरेटर है इसका। तो बेहतर ये कि डिलीट को ना यूज़ करें, जो मेक सेंस चीज़ है उसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये मेक सेंस ज़्यादा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमने एक्चुअली क्या कर लिया, हमने एक्चुअली क्या कर दिया कि एक नई वैल्यू को ऐड करना सीख लिया जो कि पहले से उस ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं थी, और किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट करना भी सीख लिया। और इन चारों को मैं क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पे दोबारा कॉन्सोल करा देता हूँ, और एक फाइनल लुक हम इसका ले लेते हैं कि क्या लुक है, ठीक है। नेम रोल नंबर क्लास ए बी सी, नेम रोल नंबर क्लास ए बी सी, ये चार वैल्यूज़ हैं, मैंने चारों को दो दफ़ा प्रिंट करवाया है। जो पहली चार वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, अली रोल नंबर और उसका क्लास, और लास्ट में एक ऐसी वैल्यू प्रिंट कराई थी जो मौजूद नहीं थी, तो अनडिफाइंड आ गई। सेकेंड टाइम जब मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो आप देखें रोल नंबर डिलीट हो चुका है अभी, लेकिन ए बी सी की जगह पे एक वैल्यू आ चुकी है 34। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी वैल्यू को डिलीट करवाना सीख लिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो अगर कोई ऐसी की है जो मौजूद नहीं है तो उसको ऐड कराना भी सीख लिया। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट वन का ए बी सी मैंने किया ना 34, अब अगर इसकी जगह मैं कोई ऐसी की लिखूँ जो मौजूद है पहले से और उसमें कोई वैल्यू दूँगा, तो
तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे एक्चुअली में ही करते थे कि स्टूडेंट वन और नेम, नेम पहले से मौजूद एक की है, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। अच्छा, तो ये हमने जो मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस थे वो सारे कवर कर लिए इस पॉइंट पे।